हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को कक्षा 10 के गणित का उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराने वाले हैं जो आपके 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% आने वाले सभी प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, देखिए आपका जो पहला नंबर का सवाल है, देखिए ये आपके पेपर में कितने बार आ गया, पहले तो ये देख लीजिए। 2023 के बोर्ड के एग्ज़ाम में आया है, 2020 में आया है, 2016 में आया है, 2014 और 2013 इतने पेपरों में ये प्रश्न फ्रेंड्स आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को आपको हल कैसे करना है। एकदम सिंपल तरीका है फ्रेंड्स इसको हल करने का। देखिए पहले यहाँ पर जो लिखा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो पहले तो फ्रेंड्स लिखिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। जब 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे होता है समांतर माध्य। अब यहाँ पे जब इसको हल करना है तो यहाँ पे समांतर माध्य का फार्मूला बस लिखिए, समांतर माध्य। जब समांतर माध्य का फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए पदों का योग, पदों के योग मतलब कुल पद, जितने भी आप पद लिखा है कुल पदों का योग बटेगा पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कुल टोटल कितने पद हैं उसका क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए पदों का योग का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए लिखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 नौ, 1 से 9 तक है तो सभी पदों का योग कीजिए बटा के पदों की संख्या। देख ले पद कितने हैं, गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी टोटल कितने हैं, 9 को पद है ना, तो यहाँ पे 9 कर लीजिए, हो गया। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करना है, सभी को जोड़िए यानी 1, 2 देखिए 3 होगा, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 28, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, सभी को जोड़ेंगे तो 45 होगा, तो 45 और बटा के कितना है 9 है तो 9 कर लीजिए, 45 बटा के 9। अच्छा 45 बटा के 9 कीजिए, भाग दीजिए 9 × 9 = 45, कितना आया 5 ना, 5 बार में कट रहा है तो आपका देखिए समांतर माध्य कितना आया, समांतर माध्य आया 5। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा। ये देख लीजिए फ्रेंड्स कितने बार 2023, 20, 16, 14, 13 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है सांख्यिकी के लिए, बहुत पूछता है फ्रेंड्स ना। तो आपके 2024 का बोर्ड का एग्ज़ाम देना है तो इन प्रश्नों को पढ़ के आप जरूर जाइए। चलिए अगले नंबर के सवाल को हल कराते हैं। देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल, दूसरा नंबर का, ध्यान से देखिए क्या है। देखिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ के ही फ्रेंड जाइएगा। देखिए क्या है, यदि 5, 10, 15 कैपिटल आर, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान 22 होगा। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 22 नहीं, यहाँ ज्ञात करना है ना आर का मान क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न है आपका आर का मान क्या होगा, आपको आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, समांतर माध्य ना, यहाँ पे देखिए आप समांतर माध्य में फार्मूला लिखिए, क्या लिखेंगे, समांतर माध्य वाला फार्मूला लिखिए। अभी ना देखिए ऊपर लिखे थे पदों का योग यानी कुल पदों का योग, चलिए आप लिख देते कुल पदों का योग, कुल पदों का योग अपान, ठीक है, पदों की संख्या यानी टोटल कितने पद, पदों की संख्या, ठीक, ये लिख लिया फार्मूला। अब देखिए समांतर माध्य, देखिए यहाँ ध्यान देखिए समांतर माध्य कितना दिया 21, तो समांतर माध्य की जगह आप लिखिएगा 21 बराबर कुल पदों का योग, मतलब ये जोड़ लीजिए 5 + 10 + 15 + R + 20, ठीक है, जैसे लिखा है देखिए 20 है + 35 है और प्लस कितना है 40 है तो 40 कर लीजिए। अपान में देखिए पदों की कुल संख्या कितना है, अब जितना जोड़ रहे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को संख्या आ रहा है ना, तो बटा में कितना लेंगे 7 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 21 लिख लीजिए, जैसे हल कर रहे हैं फ्रेंड्स उसी तरह ध्यान दीजिएगा। देखिए 5, 10 देखिए 5 में 10 जोड़ेंगे 15 में 15 जोड़ेंगे 30 और 30 = 20 = 50 50 में 35 85 85 में 40 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 125। अब इस तरह मतलब सभी संख्याओं को जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा आपका 125 होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 125 और प्लस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिख लीजिए, बटा के 7 लिख लीजिए,
ठीक। अब देखिए आप सभी को पता होगा, नियम तो पता है सबको, कि ये सात का इधर तिरिया गुणा करेंगे, यानी इसका गुणा यहाँ पे करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 21 × 7 हो जाएगा और बराबर कितना 125 प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए। देखिए 7 × m 7 और 7 × 14 147 हुआ बराबर 125 प्लस कैपिटल आर। अब यहाँ लिखिए 125 को पक्षांतर कर माइनस 125 हो जाएगा इधर आने के बाद, तो कैपिटल आर। अब 147 में से 125 घटा लीजिए, जब घटाएंगे तो देखिए 7 × 5 = 2 × 4 = 2 यानी आर का मान कितना हुआ आपका, आर का मान हुआ 22 और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आर का मान यहाँ भी ज्ञात करना था फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से सवाल देगा तो आपको बोर्ड के एग्जाम में इसी प्रकार से जैसे आपको समझाएं इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में लगाइएगा। यह भी देखिए प्रश्न 2019 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के एक सवाल को और देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर का सवाल क्या है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 की ग्रह है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, पहले फार्मूला लिखिए। देखिए यहाँ पे देखिए समांतर माध्य दिया है ना, शब्दों को ध्यान दीजिए क्या दिया है, समांतर माध्य। तो पहले यहाँ समांतर माध्य का फार्मूला लगाइएगा, समांतर माध्य बराबर, यहाँ देखिए 12 व्यक्तियों का भार दिया है, यानी व्यक्तियों का, देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, व्यक्तियों के भारों का योगफल ना। देखिए यहाँ पे भार दिया है तो व्यक्तियों के भारों का योगफल, टोटल योगफल ज्ञात कर लेंगे। और देखिए व्यक्तियों की संख्या नीचे क्या होगा, व्यक्तियों की संख्या, फार्मूला यही है कि कुल पदों का योग बटा के पदों की संख्या, तो यहाँ पे भार है तो भारों का योगफल बटा के व्यक्तियों की संख्या ना, व्यक्तियों की संख्या इस तरह लिख लीजिएगा अपा। ठीक है, अब यहाँ मार रख लीजिए। देखिए समांतर माध्य कितना दिया है, 45.6 व्यक्तियों का भारों का योगफल, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है तो इसको इसी तरह रख दिए, रहने दीजिए, व्यक्तियों के भारों का योगफल। एक बार बस ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, अब एक बार देख लेंगे सवाल लगा लेंगे। व्यक्तियों की संख्या टोटल कितने व्यक्ति हैं, 12 को व्यक्ति है ना, यहाँ आप कितना लिखेंगे 12। अब इसका क्या करेंगे, तिरिया गुणा कर लेंगे, यानी 45.6 में कितना का गुणा करेंगे, 12 का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्तियों की भारों का योगफल। अब देखिए यहाँ 12×6 देखिए गुणा कर लीजिए तो 12×6 = 72 होगा, 12×5 देखिए 12×6 = 72 हो गया, 12×5 = 60 और 67 होगा, 86 लगा, और 12×4 = 48, 48 में 6 जोड़ेंगे कितना 54 हो जाएगा, यहाँ पे 54 लिख लीजिए, 1 × 10 = 1 × 10 लगा लीजिए। ये क्या हुआ आपका, व्यक्तियों के भारों का योगफल। ठीक, देखिए इस प्रकार से प्रश्न को आपको लगाना है। और ये भी प्रश्न आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए 2023, 2022, 2019 ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इनको तैयार जरूर कर लीजिए। ठीक है, आपको इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक वीडियो में अपलोड करते रहेंगे, उसको आप देख के अपना तैयारी अच्छे से कीजिए, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में 90-95% तक अंकों को आसानी से आप प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।